spilled a cup of McDonald's coffee in इसी हॉट कॉफी की गलती उन्हें 6 लाख डॉलर्स यानी कि लगभग आज के समय के हिसाब से 4 करोड़ रुपए की पड़ गई। कभी कभार कंपनीज की छोटी सी गलती जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता वो उन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती। ऐसी एक छोटी सी गलती मैकडोनल्ड को 1992 में काफी महंगी पड़ गई थी। उनकी एक छोटी सी हॉट कॉफी की गलती उन्हें 6 लाख डॉलर्स यानी कि लगभग आज के समय के हिसाब से 4 करोड़ रुपए की पड़ गई थी। क्या थी वो गलती और उसके बाद मैकडोनल्ड ने अपने प्रोडक्ट में क्या सुधार किया, चलिए जानते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि 79 ईयर ओल्ड स्टेला लेबेक नामक एक विडो एक कार में पैसेंजर सीट पर बैठी थी और उनके हाथ में मैकडोनल्ड की एक हॉट कॉफी थी और वो कॉफी गलती से उनके शरीर पर गिर गई। वो कॉफी सिर्फ नॉर्मली हॉट नहीं थी, वो कॉफी 88 डिग्री सेल्सियस तक हॉट थी, जिसकी वजह से स्टेला का नीचे का आधा शरीर पूरी तरीके से जल गया था और वो मर भी सकती थी। उसके बाद स्टेला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ जिसमें लगभग $20,000 लग गए। अब क्योंकि ये सब मैकडोनल्ड की हद से ज्यादा गर्म कॉफी की वजह से हुआ था और इसी वजह से वो इंजर्ड हुई थी तो वो मुआवजा मांगने के लिए मैकडोनल्ड के पास पहुंची। स्टेला ने मैकडी वालों को उन्हीं की कॉफी का टेम्परेचर चेक करने को कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई आप बीती को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इतनी हॉट कॉफी उनके शरीर पर गिर गई थी जिसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जान तक जा सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टोटल मेडिकल ट्रीटमेंट में $20,000 का खर्चा आया है जो कि मैकडी वालों को देना होगा। इस कंपनसेशन की उन्होंने मांग की लेकिन मैकडी वालों ने सिर्फ $800 देने की पेशकश की। गाइज, $20,000 का खर्चा आया और मैकडी वाले सिर्फ $800 दे रहे थे। इस बात पे स्टेला मैकडी वालों के खिलाफ कोर्ट चली गई और मुकदमा कर दिया। जब स्टेला ने मैकडी के खिलाफ ये केस किया तो और भी लोग सामने आए। स्टेला के वकील ने ऐसे 700 से ज्यादा गवाह बुला लिए जिन्होंने मैकडी की कॉफी से जलने की शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने स्टेला और बाकी सारे गवाहों को सुना, फिर उसके बाद स्टेला के हक में फैसला सुना दिया और उसके बाद मैकडी को $6 लाख का मुआवजा स्टेला को देने को कहा, जो आज के हिसाब से लगभग 4.5 करोड़ रुपए होते हैं। फाइनली स्टेला को उसका कंपनसेशन मिल गया। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में टोटल $20,000 खर्च हुए थे लेकिन अदालत के इंटरफेरेंस के बाद मैकडोनल्ड को टोटल $6 लाख का मुआवजा देना पड़ा। अब यहां से आप लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि स्टेला को न्याय मिला, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मैकडी की इसमें क्या गलती थी, उसको इतना खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा। देखिए, आपका जो भी मत हो लेकिन यहां पर अदालत ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, उस फैक्ट को जरा जान लेते हैं। देखिए, कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा नहीं है कि हॉट कॉफी हॉट नहीं बिकेगी या फिर इस टेम्परेचर पर नहीं बेची जाएगी। कॉफी तो हॉट है, वो इसी टेम्परेचर पर सर्व होगी, नहीं तो मजा कैसे आएगा, लोग उसे खरीदेंगे क्यों, ठंडी कॉफी कौन पिएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि निष्कर्ष क्या निकला, मैकडी को इतना मुआवजा आखिर देना क्यों पड़ा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट का ये कहना था कि अगली बार अगर मैकडी किसी को हॉट कॉफी बेचता है तो उसे प्रोडक्ट की लायबिलिटीज को समझाना होगा, उसे हॉट कॉफी के प्रिकॉशंस को बताना होगा, उसे ये बताना होगा कि कॉफी हॉट है और ये आपको हार्म कर सकती है, इसीलिए बी केयरफुल। और इस कोर्ट के फैसले के बाद मैकडी अपने हॉट कॉफी के कप के नीचे प्रिकॉशंस लिखता है और ये बताता है कि कॉफी बहुत ज्यादा हॉट है, सो बी केयरफुल। गाइस, अगली बार जब आप मैकडी के या फिर किसी और कंपनी के हॉट कॉफी को खरीदें तो आप कप के नीचे जरूर देखेगा, वहां पर प्रिकॉशंस जरूर लिखे होते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया।